हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। ये ऐसा एग्जामिनेशन होता है, मतलब ऐसा परीक्षण होता है जिसको कोई भी महिला स्वयं कर सकती है। अपने स्तनों की असामान्यता को जांचने के लिए अगर महिला स्वयं के द्वारा परीक्षण करती है तो उसी को हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। मतलब स्वतः से ही अपने स्तनों का परीक्षण करना, उसकी जांच करना। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप हैं, कौन सा ऐसा मेथड है, किस तरह से कोई भी फीमेल घर पे ही बिना किसी डॉक्टर की सहायता से, बिना किसी नर्स की सहायता से, बिना किसी हेल्थ वर्कर की सहायता से अपने स्तनों की स्वतः जाँच कर सकती है कि अगर उसमें किसी भी तरह का कोई लंप है, मतलब कोई गांठ है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो खुद ही उसकी जांच कर सके और फिर जाके डॉक्टर से वो उचित सलाह ले सके। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी हम किसी भी फीमेल्स को बीएससी के बारे में बताते हैं, मतलब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बताते हैं, तो सबसे पहला सवाल उसके मन में यही आता है कि ये जो भी स्तन परीक्षण है, स्वयं के द्वारा किया जाने वाला परीक्षण है, ये हमें कब करना चाहिए और इसका क्या मेथड होता है। तो अगर हम बात करें कि कब करना चाहिए, तो अगर कोई ऐसी फीमेल्स हैं जिनका पीरियड कंटिन्यू है, तो ऐसी महिलाओं को पीरियड्स के 7वें या 10वें दिन के बाद ही अपने स्तनों का स्वयं परीक्षण करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी महिला है जिनका मेनोपॉज हो चुका है, मतलब उनका मासिक धर्म बंद हो चुका है, अब उनको पीरियड्स नहीं आते, या फिर ऐसी महिलाएं हैं कि उनका जो यूट्रस है या बच्चेदानी है, गर्भाशय है, वो ऑपरेशन के द्वारा किसी वजह से निकाला जा चुका है, तो ऐसी महिलाएं किसी भी समय किसी भी दिन अपने स्तनों का स्वयं जांच कर सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं मासिक चक्र की स्टेज में होती हैं, जिनका मेंसस साइकिल कंटिन्यू रहता है, ऐसी महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि वो जब भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें तो वो 10वें या 7वें दिन के बाद ही करें, क्योंकि जब मेंसस टाइम होता है तो उस दौरान बहुत सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और उस समय जो ब्रेस्ट की साइज होती है वो भी चेंज होती है, साथ ही जो निपल होते हैं वो बहुत इरेक्टेबल हो जाते हैं। इसलिए उस दौरान अगर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे तो वो प्रॉपर अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्री मेथड्स होते हैं, मतलब तीन तरीके से हम ये जांच कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इन स्टैंड पोजीशन इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब कि शीशे के सामने बिल्कुल सीधा खड़ा होके आपको अपने स्तनों का स्वयं परीक्षण करना है। अब इसकी क्या विधि है, किस तरह से इसको हम करेंगे, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। लेकिन ये पहली ऐसी टेक्निक है, मतलब पहली ऐसी विधि है कि आप शीशे के सामने खड़े होके अपने स्तनों की जांच कर सकते हैं। दूसरा है लेइंग पोजिशन, मतलब कि बिस्तर पर लेट कर एक पिलो की हेल्प से आप अपने स्तनों की जांच कर सकते हैं। एंड थर्ड है इन द सावर, मतलब कि जो फुहारा या सावर होता है उसके नीचे खड़े होके ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन किया जा सकता है। तो ये तीन मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अपने स्तनों का स्वयं परीक्षण कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसकी क्या विधि होती है। तो अगर हम बात करते हैं इन स्टैंड पोजिशन खड़े होके अगर हम बात करते हैं, वो भी किसके सामने, मिरर के सामने, मिरर का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिससे जो फ्रंट का लुक है वो पूरा स्पष्ट दिखाई दे। इसके लिए आपको मिरर के सामने, शीशे के सामने स्टैंड पोजीशन में बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना है, अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे पोजीशन में रखना है, बिल्कुल अपने थाई के पास रखना है। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई महिला है, अब इसको अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, तो ये किस तरह से करेगी, अब ये बिल्कुल मिरर के जस्ट सामने खड़ी हो जाएगी, अब ये इसके दोनों हाथ हैं, तो ये हाथों को बिल्कुल सीधा रखेगी और मिरर के सामने जो अपने ब्रेस्ट हैं उनकी साइज को मेजर करने की कोशिश करेगी कि दोनों ब्रेस्ट के साइज सामान्य है या फिर असामान्य है, छोटा या बड़ा तो नहीं है, या फिर उनमें किसी भी तरह की कोई
गांठ तो नहीं दिख रही है या कोई रेडनेस जैसे लालीपन जैसा तो नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए फीमेल प्रेग्नेंट है तो या फिर नॉन प्रेग्नेंट है तो उसके निपल से किसी तरह का डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है या फिर कहीं पे घाव वगैरह तो नहीं है, इन सब चीज़ों को मेजर करेगी। इसके बाद वो अपने हैंड मैनेवर का यूज करती है। हैंड मैनेवर में वो अपने हाथों में ये जो 3 फिंगर पैड्स होते हैं उनका यूज करती है। 3 फिंगर्स का ही इसमें यूज किया जाता है। अगर हमको मान लीजिए ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, अब हमको राइट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये ब्रेस्ट है, अब इसको हम 4 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें कि ये ब्रेस्ट है, अब इसको हमको 4 बराबर बराबर क्वाड्रेंट में भागों में बांट देना है। तो अगर ये निपल वाला पार्ट है तो इसको हम 4 भाग में बांट देंगे। 4 भाग में बांटने का मतलब ये है कि इससे हम आराम से इसकी जांच कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि जो ये 3 फिंगर पैड्स हैं इनके थ्रू सर्कुलर मोशन में, यहाँ से सर्कुलर मोशन में हमको ये स्टार्ट करना है, पालपेट करना, जिससे हमको आसानी से ये पता लग सके कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गांठ वगैरह तो नहीं है। सर्कुलर मोशन में करना है, क्लॉकवाइज करना है, क्योंकि जब हम अपने फिंगर पैड से इसको पालपेट करके देखेंगे तो हमको इजली इस बात का एहसास हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई लंप गांठ हमको यहाँ होगी तो पता चल जाएगी। तो फर्स्ट इसमें क्या करना है, फर्स्ट क्या करना है, ये निप्पल है, ये ब्रेस्ट है, इसको क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज हमको इसको देखना है, पालपेट करके देखना है, किससे, इन 3 फिंगर्स के जो पैड है इनके थ्रू। इसके बाद सेकंड क्या करना है, ये ब्रेस्ट है, वर्टिकली हमको देखना है, वर्टिकली ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब अप डाउन दोनों तरफ हमको देखना है। अगर ये मान लीजिए कि ब्रेस्ट है तो अगर हम 3 फिंगर से पालपेट करके देखेंगे तो हमको ऐसे करना है और फिर इसी को ऐसे करना है, जिसको हम जिससे हमको आसानी से इसके बारे में पता चल सके कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई गांठ तो नहीं है। जब ये हम वर्टिकली कर लेंगे, वर्टिकल हम इसको करते हैं, तो फिर हम इसी स्टेप को हॉरिजॉन्टली करेंगे, ऐसे करेंगे, जिससे हम आसानी से ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकें। अगर उसमें किसी भी तरह की कहीं पे भी लंप है तो हम उसको देख सकें। और ब्रेस्ट को 4 भागों में बांटने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अगर हम इस तरह से 4 भागों में बांट के हर पार्ट को अलग अलग मोशन में अगर इसको हम देखेंगे, इसका परीक्षण करेंगे, तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जो छूट पाएगा। जैसे अगर हम राइट साइड का करते हैं तो राइट साइड में यहाँ पे एक्जिला वाला पार्ट आता है, तो एक्जिला वाला पार्ट भी आसानी से कवर हो जाएगा, अपर पार्ट भी कवर हो जाएगा, लोअर पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम इसको 4 भाग में डिवाइड करके करेंगे, स्टेप सारे यही रहेंगे, बस हर क्वाड्रेंट में हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर हम अपर आउटर क्वाड्रेंट लेते हैं तो इसमें हम सबसे पहले सर्कुलर मोशन में करेंगे क्लॉकवाइज, उसके बाद वर्टिकली करेंगे, उसके बाद हॉरिजॉन्टल करेंगे। यही 3 मेथड हम अप्लाई करेंगे जब भी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे उस दौरान। और ये हम कब कर रहे हैं, ये हम मिरर के सामने खड़े होकर कर रहे हैं, शीशे के सामने खड़े होकर कर रहे हैं। तो इस दौरान हमको चीजें देखनी है कि ब्रेस्ट में किसी भी तरह का कहीं पे स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं पे कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही है, या फिर कहीं पे दर्द तो नहीं महसूस हो रहा है दबाने के दौरान, पालपेट करने के दौरान, या फिर कहीं पे निपल से डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई घाव तो नहीं है, या फिर जो निपल के साइज है उनमें कोई अंतर तो नहीं है। ये सारी चीजें हमको मेजर करनी है, और अगर कोई भी अबनॉर्मलिटी दिखती है तो हमको तुरंत वहां पे नोट डाउन कर लेना है। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने से पहले एक पेन और डायरी अपने पास जरूर रखें, जिससे जो भी अबनॉर्मलिटी आपको दिखे आप तुरंत उसको वहां पे नोट डाउन कर सकें। ये तो पहला स्टेप है, पहला स्टेप मतलब कि इसको हमने सामने खड़े होके किया। जो ये स्टैंड पोजीशनिंग में हम मिरर के सामने कर रहे हैं, इसमें भी 3 स्टेप हैं। तो पहला क्या था, पहला हमने बिल्कुल सीधे खड़े होके चीजों को मेजर किया। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, हम अपने दोनों हाथों को पीछे करके अपने सर पे रख लेंगे, और उसके बाद फिर फ्रंट में और लेटर
दोनों तरफ से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे। और थर्ड मेथड होता है, मिरर के सामने ही हम खड़े रहेंगे और अपने जो दोनों हैंड है इनको पीछे करके जो हिप्स होता है उसके ऊपर रखने के बाद जो ब्रेस्ट है उनका एग्जामिनेशन करेंगे। तो जब हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो हम तीन तरह से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे। पहला, बिल्कुल सीधा खड़ा होके। दूसरा, दोनों हाथों को हम अपने सर के पीछे रखेंगे। और तीसरा होगा कि दोनों हाथों को हम अपने हिप्स पे रखेंगे और उसके बाद हम अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बारी बारी से जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से करेंगे। पहले ब्रेस्ट को चार बराबर भागों में हम डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद सर्कुलर मोशन में वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली तीन तरह से हम अपने जो थ्री फिंगर पैड्स हैं उनके द्वारा हम पालपेट करके देखने की कोशिश करेंगे कि अस्थियों में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इसमें सेकंड है लेइंग पोजीशन, मतलब कि लेट करके ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम सीधी पोजीशन में लेटेंगे। पहले बिल्कुल हमारी जो पोजीशनिंग होगी वो सुपाइन पोजीशन होगी, मतलब सीधा बिस्तर पे हम लेट जाएंगे। उसके बाद अगर हमको राइट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है तो राइट ब्रेस्ट और मतलब ये जो बैक साइड होता है आर्म होती है उसके पीछे हम एक पिलो लगा देंगे। अगर हमको राइट ब्रेस्ट का करना है तो हम राइट साइड पिलो लगा देंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड से हम पालपेट करके ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन द सावर, मतलब कि सावर के नीचे जो फुहारा होता है उसके नीचे खड़े होके हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसमें भी हम इन्हीं मेथड्स का यूज करते हैं जो मेथड मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया था, सर्कुलर मोशन में वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह से आप स्वतः ही अपने स्तनों की जांच कर सकते हैं जो मेथड मैंने अभी आपको बताया उसके थ्रू। बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि पीरियड्स के सातवें या फिर दसवें दिन के बाद करें। और अगर आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, तो आप कभी भी इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके पहले की जो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के सबसे ज़्यादा रिस्क किसको रहते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं होती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। तो जो महिलाएं 35 प्लस होती हैं उनको अपने स्तनों की स्वयं जांच जरूर करनी चाहिए। हर महीने कम से कम एक बार उनको यह जांच जरूर करनी चाहिए। आई होप कि आज की वीडियो से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर आप स्वयं अपने स्तनों का परीक्षण करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।